वाले जो पैसे से वो वापस चालू हो गए, तो आई थिंक फार्मा भी चलना चाहिए। दूसरा उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि डॉलर भी बढ़ रहा है। ठीक है, डॉलर का रेट क्या है अभी फिलहाल पता है आपको? मैं अभी तो नहीं देखा, आई थिंक 74 समथिंग कुछ था। 74.50 है, बहुत ज्यादा मैटर जी करता जी है। अगर आपको पूरे वीक का एनालिसिस करके रखना है तो आपको क्रूड ऑयल देखना पड़ेगा जो कि है 75.50 बैरल, 74.50 ओके अपना डॉलर है। वहां पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 1.24%। विक्स कितने लोग देखते हो, नीलम मैम एंड नीति सर, आप लोग विक्स देखते हो या नहीं देखते हो? वोलेटाइल हाँ मैम, देखता हूँ मैं। इंडेक्स कितना चल रहा है, कोई आइडिया अभी के लिए फिलहाल? मैम लास्ट आई 13 था, थिंक लास्ट 9+ था 9.5+ चल रहा है आई थिंक। 12.89 चल रहा मैं है अभी अभी के एकदम लिए। कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, बाकी लास्ट जब शायद मैंने देखा था उस टाइम इतनी चल रहा हूँ। यस 12.80 चल रहा है। और यस नीलम मैम, वेरी ओके गुड ओके स्टडी अबाउट द ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो पीसीआर रेशो भी देखना जरूरी होता है, जो पीसीआर रेशो चल रहा है 1.28। अगर आप फंडामेंटल्स की बातें करोगे तो यूएस इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना वो 6.5% है, जो कि लास्ट टाइम से 2% से कम है। तो ये अगले हफ्ते डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। उसके बाद में आपने बोला नितेश सर मुझे कि चाइना से आपको स्टील के बारे में फंडामेंटल न्यूज़, वो पुरानी न्यूज़ होगी। अगर रीसेंट कल की न्यूज़ अगर आप देखोगे तो फर्टिलाइजर का जो सप्लाई था वो चाइना ने, चीन ने बंद करने का सोचा है अभी के लिए फिलहाल, जब तक उनके पास पूरा सफिशेंट ये नहीं होगा, मतलब लाइक पूरा सफिशिएंट उनका प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक वो सेंड नहीं करेंगे। तो अब आप दोनों तीनों से मेरा बहुत सिंपल सवाल है, तो अपने इंडिया में कौन से स्टॉक चलेंगे फिर? इंडियन मार्केट RCF, FAT, RCF, यस कपिल FAT, फर्टिलाइजर, मोनसेंटो भी चल सकता है, NFL, GNFC, NFL GSFC, फैट, तो कोरोमंडल, ये सारे स्टॉक्स अगले हफ्ते मूवमेंट दिखाएंगे। तो ये हो गए रेडीमेड स्टॉक आपके लिए, आप उसके ऊपर वॉच कर सकते हो कि न्यूज का कितना इम्पैक्ट होता है, ये भी हम लोग अगले हफ्ते सीख लेंगे। अब रही बात आईपीओ जो 4 अगस्त को खुल रहे हैं, दो आईपीओ खुल रहे हैं, एक तो दिव्यानी एंटरप्राइजेस है जो 4 अगस्त को खुल रहा है, वो 86 to 90 रुपीज की इन बिटवीन है, 165 का लॉट है। नीलम मैम का आपको आइडिया है कि देवयानी एंटरप्राइजेस क्या करती है? मैम। अभी आज ही मैं देख रही थी, KFC वाले हैं। यस, KFC, पिज्जा हट एंड कोस्टा जो कॉफी है ना, इसकी फ्रेंचाइजी इनके पास होती है। तो अगर आपको एक आइडिया है, यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आपको आइडिया है कि कोस्टा और पिज्जा हट और KFC की कितनी डिमांड है, तो इस आईपीओ का कितना, मतलब लाइक कितना वर्थ रहेगा ये आईपीओ अभी खरीदने के लिए? एज ए परसेंटेज में 100 में से आपको पूछूं कि कितने परसेंटेज आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे खरीद ले शीतल? 60%। 60%, परफेक्ट मैम, यस। क्योंकि लाइक ये ऐसी ब्रांड है जिसकी अभी डिमांड बढ़ना शुरू हुई है, इसे बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यस, जो लोग 10 लॉट लेना चाहते हैं वो 5 से 7 लॉट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। देन दूसरा आईपीओ भी खुल रहा है, स्टाइल्स का जो आईपीओ खुल रहा है उसके बारे में कोई न्यूज आप लोगों के पास, नितेश सर, अनिता मैम, नीलम मैम? नहीं मैम, ये मुझे नहीं मालूम, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, इसका जो आईपीओ है वो 161 करोड़ का है, 50 करोड़ ये लोन रीपे करने के लिए दे रहे हैं और 45 करोड़ ये बिजनेस ग्रोथ में लगाएंगे। तो अगर मैं आपके पास कैटेगरी दे रही हूँ कि 161 करोड़ का आईपीओ ये लोग इकट्ठा करने वाले हैं पैसे, और ये 50 करोड़ का लोन रीपे करने वाले हैं और 45 करोड़ से बिजनेस ग्रोथ करने वाले हैं, तो क्या आपको पता है कि ये आईपीओ 118 रुपये से 120 के बिन बिटवीन इन्होंने रेंज दी है? तो ये सारी चीज़ें मैं अभी अगर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आप इसे कितना परसेंटेज देना चाहोगे खरीदने के लिए? मैं तो नहीं लूंगी। क्योंकि हमें वो कंपनी नोन नहीं है,
हमें और रियलिटी सेक्टर्स के हिसाब से, कोविड के हिसाब से थोड़ा सा कम चल रहा है. मतलब अभी रियलिटी सेक्टर्स जैसे यूएस का डाटा आया, हर जगह से डाटा आ रहा है तो वो कम आ रहा है. सो ये हो गया आईपीओ में. जब आपको एंटर करना है तो इतनी स्टडी करनी पड़ती है. अब रही बात निफ्टी की, तो यस आप दोनों बहुत ज्यादा टेक्निकल देखते हो, बट आप दोनों ने मुझे नहीं बताया कि लास्ट वीक निफ्टी ने शूटिंग स्टार डेवलप किया है पैटर्न, और अभी 0.6% के हिसाब से हैमो पैटर्न फ्राइडे के आसपास क्रिएट होते हुए हमने देखा है. तो उस हिसाब से 15,600 से 15,900 के इन बिटवीन निफ्टी रहेगी, जबकि निफ्टी का क्लोजिंग है 15,790 थी. फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,830, सेकेंड टारगेट 15,900, और यस अगर ये क्रॉस करती है तो डेफिनेटली 16,000 to 16,300 के आसपास हम लोग देख सकते. नीचे आती है तो 600 अगर तोड़ती है, जैसे नीतेश सर ने बोला कि रेंज बाउंड रहेगा, बट रेंज बाउंड रहने के लिए ये हफ्ता नहीं रहेगा. इस हफ्ते में काफी सारी मूवमेंट हम लोग देखेंगे, डेफिनेटली स्टील स्टॉक में भी हम लोग देखेंगे. तो आपका कोई और ओपिनियन होगा तो आप लोग दे सकते हो. जो आप ये बोल रहे थे जैसे सर बोल रहे थे कि आपने बोले कि ये मेटल का न्यूज पुराना हो गया है, तो मतलब ये वीक में हमें फिर उसको छोड़ देना चाहिए, ये अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हाँ, बट अगर आपको याद होगा लास्ट, मतलब लास्ट मंडे ट्यूसडे ही मैंने ये न्यूज़ शेयर किया था, जबकि स्टील के दाम बढ़ चुके थे. हिंडाल्को अगर आपने देखा होगा, मंडे ट्यूसडे तो 10% 20% बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ दिस न्यूज. तो अभी हमें देखना है कि फर्टिलाइजर में ये न्यूज कितना इम्पैक्ट करता है. ओके और कि आपने बोले कि आईटी के लिए अपने डॉलर देखना है, तो और क्रूड देखना है, तो, और बॉन्ड बॉन्ड यील्ड का जो आप बोले थे ना, मैं वो मिस कर गई, आपने एक थोड़ा बॉन्ड सा। डील का देखो, इन बिटवीन जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो आपने देखा होगा ना मार्केट बहुत नीचे आना शुरू हो रहा था, हाँ राइट. तो उसका हाँ जो इंटरेस्ट अगर बढ़ता है ना, तो डेफिनेटली एफआईज के लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास फिक्स इनकम मिलता है तो हम इंडियन मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो वो पैसे निकाल के उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वो भी अपने पास, मतलब लाइक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए उसको भी देखना जरूरी होता है. मतलब मैं तो हर रोज देखती हूँ ये, तो मैं वीकली आप लोगों के साथ, जैसे अभी 15,600 to 15,900 के बिटवीन क्यों रहेगा, तो ये सारी चीजें मैं वॉच करूंगी. उसके बाद में ही हम लोग डिसाइड करेंगे अगले अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसे रहेगी. तो देखना जरूरी होता है, हर रोज देखो आप. मैम, एक्चुअली आप इसमें दो तीन जैसे आप मुझे पॉइंट्स बताएंगे कि हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है? क्रूड ऑयल का रेट देखना है, डॉलर का रेट देखना है, बॉन्ड यील्ड देखना है, विक्स देखना है, पीसीआर रेशो देखना है, ठीक है। फिर काफी सारी फंडामेंटल न्यूज, अपकमिंग आईपीओस, अपकमिंग रिजल्ट्स, जैसे कि अगले हफ्ते ऑटो के सेल्स के आंकड़े आने वाले. क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, बट सेल्स के भी आंकड़े आने वाले, तो वो भी बहुत मैटर करेंगे ऑटो सेक्टर्स के लिए. तो इसमें फिर हम ऑटो में ले सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। देखिए ना कैसे नंबर्स आ रहे हैं ना, उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करेगी. क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करोगे तो सेल्स के आंकड़े हमें थोड़े बहुत आइडिया आ जाती है, और उसके बाद में मैं टेक्निकल्स देख लेती हूँ, फंडामेंटल्स देख लेती हूँ, और थोड़ा न्यूमोलॉजी कैलकुलेशंस भी कर लेती हूँ, प्लानिटरी डायरेक्शंस भी कर लेती हूँ, तभी जाके इतने परफेक्ट लेवल आ जाते हैं. मैम ये बॉन्ड यील्ड कहाँ से देखना है, क्योंकि मेरे तो का कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस रहेंगे. पीसीआर रेशियो रेडीमेड आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे टेक्निकली, आपको सारे डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा. के लिए तो 1 लाख लगता है, कितना 1,20,000, 1 लाख के समथिंग लगता है निफ्टी में। देख लीजिए मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता है. 15,780 हमने डाला है, एक लॉट के लिए 1 लाख
11,327.90. अब हर एक ब्रोकर का अलग अलग रहेगा, कोई अगर चाहेगा तो खुदों के 10% ऐड भी कर सकता है, कम भी, बट एज पर सेबी रूल जितना मार्जिन जरूरी है उतना लेते ही है, तो वो मार्जिन आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम मुझे पूछा जाता है कि बीएससी में ट्रेड करना बेटर है या एनएससी में। अब एनएससी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बल्क में क्वांटिटी लेना जरूरी है, तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होगा, इसीलिए अगर आपको कैश में भी ट्रेड करना है तो गो विद द एनएससी, ऑलवेज बेटर।